नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज आईपीएल का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच दिल्ली अपने घर पर खेलेगी। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी तो मुंबई की टीम ने बाजी मारी थी। बात करें दिल्ली की टीम की तो दिल्ली अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, तो वहीं मुंबई की टीम अपना पिछला मैच हार के आ रही है। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर मुंबई इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा। बात करें अगर दिल्ली के पिच और मैदान की तो दिल्ली के मैदान में अभी तक दो मैच खेले गए हैं। दोनों ही मैचों में बल्लेबाजों को काफ़ी मदद मिली है। दिल्ली का ग्राउंड काफ़ी छोटा है, विकेट के पीछे और स्क्वायर बाउंड्री काफ़ी छोटी हैं और यहाँ पर बल्लेबाजों को काफ़ी मदद मिलती है, तो 200 प्लस स्कोर संभव है। दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात करें हम दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली की टीम में हो सकता है कि कोई बदलाव ना हो, क्योंकि दिल्ली पिछला मैच जीत कर आ रही है। तो दिल्ली के ओपनिंग संभालते हुए नज़र आएंगे पृथ्वी शॉ और मैकगर्क। इसके बाद फिर अभिषेक शर्मा और होप पर नज़रें होंगी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक कोई इम्पैक्टफुल प्रदर्शन नहीं किया है, तो इन दोनों ही खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी। ऋषभ पंत मैन इन फॉर्म है, गेंदबाजों में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, खलील अहमद और नौरखिया हो सकते हैं। बात करें अगर मुंबई इंडियंस की टीम की तो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, सूर्यकुमार यादव, तिलक, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड पर मिडिल ऑर्डर का जिम्मा होगा। गेंदबाजों की बात करें तो कोइट्ज़े, चावला, बुमराह दिख सकते हैं। दोनों ही टीमों के इस सीज़न के अभी तक के सफ़र की बात करें तो दिल्ली की टीम ने 9 मैच खेलकर 4 मैच उनमें से जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 6 स्थान पर है। तो वहीं मुंबई की टीम की बात करी जाए तो मुंबई की टीम ने 8 मैच खेले हैं जिसमें से 3 ही मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों ही टीमों का आमना सामना 34 बार हुआ है, जिसमें दिल्ली ने 15 मैच जीते हैं तो वहीं मुंबई ने 19 मैच जीते हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतती है। इसी तरीके की तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।